नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जैसा कि हम जानते हैं, सोनभद्र सूबे में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 10 फरवरी से जिले में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में जनपद में अधूरे सरकारी काम को तेजी से पूरा कराने के लिए मशीनों से काम करवाया जा रहा है, जबकि सरकार के मानक के हिसाब से 50% काम मजदूरों के माध्यम से होना चाहिए, पर इसके उलट मशीनों के इस्तेमाल से काम किया जा रहा है। आपको बता दें, CNDS के माध्यम से 18 किलोमीटर तक नाली के निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। इस नाली निर्माण के लिए श्याम कुमार एंड कंपनी को ठेका दिया गया, जो कि 28 करोड़ के आसपास का है, पर कंपनी के द्वारा जल्दबाजी में कार्य को चुनाव रहते पूरा करवाने की होड़ लगी है, जिसके चलते मशीनों का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें जेई विपिन कुमार मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दे रहे हैं। जो इश्यू होगा वो इश्यू जो होगा हाँ। तो क्या उनसे ही मिल रहा है क्या? CNDS विभाग से ही मिल रहा है आपको सरिया? नहीं, उनसे उनसे नहीं मिल रहा है हाँ। वो खरीद के लगाया जा रहा है। जिस तरह से ये आपका स्टोन लगाया गया है, डोलो स्टोन लगना चाहिए, लेकिन आपका ये लोकल स्टोन है। डोलो स्टोन, डोलो जो गिट्टी होती है, जो ढलाई की जा रही है, PCC की जा रही है, RCC की जा रही है, इसमें डोलो स्टोन नहीं लगा है हाँ। डोलो स्टोन का प्रयोग नहीं है, जबकि ये मानक के विपरीत है। डोलो स्टोन कौन सा बोलते हो आप? जैसा कि आपने देखा, जय विपिन कुमार से जब पूछा गया कि इसमें 2 नंबर का सरिया और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। भागते ही नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने ऐसे जताया जैसे वो इस पूरे विषय से अनजान हैं। चलिए सुनते हैं स्थानीय विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। कहाँ कराने वाले हैं? बघोरा, चुर्क बघोरा। अच्छा, ये जो नाली बन रहा है, इसमें क्या सुविधा समझ में आ रही है? इसमें बरसात का पानी आएगा तो नाली टूट कर बह जाएगी, और यहाँ कम से कम लोढ़ी तक यहाँ तक पानी आता है इसी मार्ग से। जब नाली ऊंचा हो जाएगी तो पानी कहाँ से रोड पर जाम हो जाएगा बरसात में। ठेंगुर पर तो ऐसा ही पानी चलता है, और उसमें पाइप लगाना चाहिए इस नाली के अंदर, वहाँ पानी निकलने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया, इस नाली निर्माण में कंपनी के द्वारा धांधली की जा रही है। नाली में गिट्टी, बालू और सरिया 2 नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।